हाय फ्रेंड्स, चलिए हम एक और डायमेंशन का यूज कर लेते हैं। डायमेंशन जो है, हमने जैसे फार्मूला डिराइव किया है ना, तो यहाँ पर एक और है, टेस्ट कर सकते हैं हम लोग। जो इक्वेशन या फार्मूला जो दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वो डायमेंशनली सही है कि नहीं है, हम चेक कर सकते हैं। तो ये एक और एप्लीकेशन है डायमेंशन का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक फार्मूला लिख के रखा है। तो ये जो हाइट है, ये कैपिलरी राइज जो है, फाइन ट्यूब में जो हाइट होता है, लिक्विड राइज करता है। तो ये एच है, दैट इज दैट डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन, है ना। एस है सरफेस टेंशन, कॉस थीटा, एंड जो है आर रो मतलब डेंसिटी, और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो ये ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी इसको आप चेक करना है कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, तो ये आपको चेक करना है। तो बड़ा आसान सा तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन आपको जितने भी जो फैक्टर्स दिए गए हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उनका जो है आपको क्या करना है, आपको डायमेंशन याद होना चाहिए, ठीक है। तो जो लिस्ट है वो डायमेंशन का आपको याद करना है, और जैसे मैंने वीडियो में बनाया है डायमेंशन कैसे लिखते हैं और अलग अलग क्वांटिटीज़ का, तो वो आप याद कीजिए। और आपको क्या करना है, अभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो जो पैरामीटर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, उसका जो डायमेंशन हमको पुट करके देखना है। और लेफ्ट हैंड साइड का यदि और राइट हैंड साइड का इक्वल आ जाता है तो वो है इक्वेशन राइट है, यदि नहीं आता है तो कहीं मिस्टेक है, ठीक है। कुछ और पैरामीटर जोड़ना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा, हो सकता है, लेकिन हमको सिर्फ टेस्ट करना है। तो चलिए, लेफ्ट हैंड साइड में एच है, तो एच तो हाइट हो गया, हाइट हो गया तो लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन आपको मालूम है एल, है ना। तो एम जीरो हो गया, टी जीरो हो गया, एल आ जाएगा। तो एम जीरो एल टी जीरो, तो ये हो गया आपको लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन। अभी राइट हैंड साइड में हम जाते हैं। राइट हैंड साइड में हम लोग एस का हम लिखेंगे, है ना, एस का डायमेंशन, क्योंकि टू कॉन्स्टेंट है, डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट, कॉस थीटा का भी कोई डायमेंशन नहीं है। तो इसके बाद आर का डायमेंशन, रो का डायमेंशन और जी का डायमेंशन हमको लिखना है। तो सरफेस टेंशन जो होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू पर यूनिट लेंथ एल माइनस वन, तो इसलिए एल एल कट जाता है। तो ये यहाँ पर क्या है, एम टी माइनस टू भी आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, यदि आपको याद है। नहीं तो फॉर्मूला यदि आपको याद है तो तुरंत उस समय भी आप डायमेंशन बना सकते हैं, फिर पुट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। तो ये हो गया। अभी रेडियस का लेंथ आ जाएगा, या एम जीरो एल एल टी जीरो लिख सकते हैं, नहीं तो बाद में लास्ट में लिख दीजिए, इसमें जो जो चाहिए वही लिखिए, है ना। और रो है डेंसिटी, डेंसिटी हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो एम एल माइनस थ्री। और जी का हो गया एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो लेंथ बाई लेंथ इंटू टी माइनस टू, तो ये हो गया। इसके बाद आप जो है कैंसिल कीजिए, कैंसिल वगैरह करके इसको जितना कैंसिल करना है, ये आ गया एम जीरो और यहाँ पर एल वन माइनस थ्री प्लस वन, तो ये आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, एम जीरो एल माइनस वन आ रहा है ना। तो एम जीरो एल ऊपर आ जाएगा, एल वन हो जाएगा, और टी टी भी गायब हो गया, तो टी का जीरो आप लिख सकते हैं। तो ये आ गया एम जीरो एल टी जीरो, तो इसका मतलब देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी यही था, तो इसलिए हम जब पुट किए तो दोनों का डायमेंशन सेम आ रहा है। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, तो इसलिए आपको क्या है, इक्वेशन इज करेक्ट लिख सकते हैं।